हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा ऑप्शनल चुनें, सोशियोलॉजी लें या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लें या फिर पॉलिटिकल साइंस लें, क्या फैक्टर होगा जो डिटरमाइन करेगा कि ऑप्शनल आप कौन सा लेते हैं। और ऑप्शनल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए। ऑप्शनल डिटरमाइन कर सकता है कि आप आईएएस के टॉप रैंक में आते हैं या फिर आप यूपीएससी के रिजल्ट से बाहर होते हैं। तो ये सब फैक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हैं, फ्यू फैक्टर्स। पहला ये कि भाई आपका बैकग्राउंड किस तरह का, आपने इंजीनियरिंग किया है या फिर आपने आर्ट्स बैकग्राउंड से किया, कॉमर्स से किया है, और आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में कितना ज्यादा है, ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर कि जीएस के सिलेबस से ऑप्शनल का सिलेबस कितना ओवरलैप करता है, ताकि आप अगर ऑप्शनल लेते हैं तो थोड़ा जीएस में भी आपको हेल्प कर सके और आपका मतलब इंटीग्रेटेड तैयारी हो सके। तीसरा फैक्टर क्या है कि मार्केट में रिसोर्स कितना अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी आप ले रहे हैं तो भाई बुक्स अवेलेबल है कि नहीं, नोट्स अवेलेबल है कि नहीं, कितना आसानी से आप जो है रिसोर्सेज लेके पढ़ सकते हैं। और जो है नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि भाई नेचर ऑफ एग्जाम कैसा रहा है, हर ऑप्शन में पैटर्न कैसे रहे हैं, डायनेमिक रहे या स्टैटिक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डायनेमिक पैटर्न बहुत पसंद है कि भाई अगर मतलब दिमाग लगा के क्वेश्चन लिखने को आए तो हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो स्टैटिक पढ़ के और उसको याद करके रिप्रोड्यूस अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका किस तरह का एप्टीट्यूड है, आप किस तरह के जो है ऑप्शन लेके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये सब फैक्टर आप ध्यान रखिए जब भी आप ऑप्शन ले रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको मजा आना चाहिए। जब तक आपको मजा नहीं आ रहा है ना, तो आप बहुत सारा पैटर्न्स और ये कैसा ट्रेंड रहा है, स्कोरिंग रहा है कि नहीं रहा है, ये लेके आप जो है ले लेंगे ऑप्शन, और बाद में आपको मजा नहीं आ रहा तो हो सकता है आपको पहले अटेम्प्ट में नहीं आया, दूसरा अटेम्प्ट भी देना पड़े, तो आप दूसरे अटेम्प्ट भी उतने ही झील के साथ, उतनी एनर्जी के साथ ऑप्शन पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हर ऑप्शन में लोग स्कोर करते हैं और ऑप्शनल से लोग आईएएस बनते हैं और हर ऑप्शन से लोग लिस्ट से बाहर भी होते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट और इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके ऑप्शन डिसाइड करिए। ऑल द बेस्ट।